हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यह एक ऑटो एंसिनरी कंपनी है और केबल हार्नेस जो ऑटोमोबाइल के लिए होते हैं उसके लिए काफ़ी मशहूर कंपनी है। दोस्तों, यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग है वो 61.73% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड दिस इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। देर इज़ नो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, बट जो प्लेज होल्डिंग है वो 3.72% हुआ है मार्च 2019 में, ये था 2.99% इन मार्च 2018, यानी कि जो प्लेज होल्डिंग है वो थोड़ा बढ़ा है। एंड दैट इज़ द इश्यू विद दिस कंपनी एंड ऑल्सो विद अदर कंपनीज हु आर टेकिंग हाई डेट। दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हो FII का भी होल्डिंग है नियरली 17% जितना। तो ओवरऑल एक ये अच्छी कंपनी, और म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग है नियरली 8 और 9% के नज़दीक। तो दोस्तों, ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले साल कुछ इश्यूज है, उसकी वजह से काफ़ी रिसेशन है और उसकी वजह से ये डाउन भी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट क्या है। दोस्तों, जो सेल्स हुआ है जून 2019 में वो है 1842 करोड़ रुपीज़, वो था 2000 करोड़ रुपीज़, यानी कि डाउन हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हो पिछले कुछ क्वार्टर में नियरली 1800-1700 के आसपास ही सेल्स चल रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 311 करोड़ रुपीज़ कम्पेयर टू 341 करोड़ रुपीज़ इन जून 2019 क्वार्टर, और बाकी सब क्वार्टर में भी 300-400 के करीब ग्रॉस प्रॉफिट रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर 2001 से लेकर 19 तक का हिस्ट्री दिखाया है, इसमें कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर डिविडेंड भी दिया है और अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कर रहे हैं अपने प्रॉफिट में से। दोस्तों, इन्होंने बोनस भी दिया है, अगर आप बोनस हिस्ट्री देखो तो वो भी काफ़ी अच्छी है। ईयर ऑन ईयर 1:2 में काफ़ी बार ये बोनस भी दे चुके हैं, और स्प्लिट की बात करें तो 2002 में 10:5 किया था फेस वैल्यू का स्प्लिट, और 2004 में 5:1 भी किया है। दोस्तों, यहाँ पे इसका अभी का जो प्राइस है वो है 110 रुपीज़, और 52 वीक लो हाई है 91 रुपीज़ एंड हाई है 179 रुपीज़, यानी कि 52 वीक लो के नज़दीक चल रहा है। अगर इसका हिस्ट्री देखें तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है स्टॉक, और 2018 में एक हाई नियरली 300 रुपीज़ जाके आया है और एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी इश्यूज है और डाउन भी चल रहा है और रिसेशन भी है, उसकी वजह से अभी एक दो क्वार्टर और थोड़ा दबाव में रहेगा, और उसकी वजह से ये कंपनी भी थोड़ा प्रेशर में रहेगी, और अभी ये लो प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ऑटो सेक्टर रिवाइव होगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल इंजन हो या इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिकल हार्नेस की ज़रूरत तो सभी में रहेगी। तो आने वाले दिनों में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर रिवाइव होता है तो उसमें भी इसका ग्रोथ होने का उम्मीद है, और इन्होंने दूसरी छोटी छोटी कंपनीज और दूसरे कंपनी से भी बिजनेस एक्वायर करने के लिए एक्विजिशन का भी प्लान किया है, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या दूसरी कंपनीज भी एक्वायर करते हैं तो उसकी वजह से एक ग्रोथ मिलने की भी उम्मीद है बिजनेस में। तो जो भी मोमेंटम प्लेयर है या शॉर्ट टर्म प्लेयर है, एक दो साल के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।